नमस्कार, मैं हूं आशुतोष श्रीवास्तव और 6 बज चुके हैं। मैं अपने वादे के मुताबिक हर वीकेंड जो हम लोग लाइव सेशन में आते हैं, सचिन सिंह राजपूत जी ने मेरे पास रिक्वेस्ट भेजी है, मैं ऐड कर रहा हूँ। सचिन, मैंने आपको जो है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है, आप जुड़ जाइए मेरे साथ। और आज हम लोग नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, क्या हाल है सचिन? एकदम बढ़िया, आपका आशीर्वाद है और आपका साथ है, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। आज नए लुक में दिख रहे हो। बस एक्टर आदमी किरदार के अनुसार। चलिए, तो सचिन जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और आज हम लोग जो है गोरखपुर से अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हैं। जी, अरुण कुमार श्रीवास्तव जी हैं आज हमारे साथ। और आपका एक छोटा सा परिचय ये है कि आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक अधिकारी के पद पे हैं और फेसबुक फ्रेंड में थे और इनसे बातचीत हुई, इन्होंने मेरे कार्यक्रम को सुना और उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी। अरुण जी, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही हो तो कृपया आप भी जो है हमारे साथ स्क्रीन शेयर करें या रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको जो है जोड़ लेता हूं। सचिन, एक बार आप दर्शकों से फिर फॉर्मेट आप बता दो, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं। अरुण जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज मैसेज कीजिए। जी, मैं सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं कि सबसे पहले तो इस लाइव सेशन को शेयर कर दें ताकि आपकी सभी मित्र मंडली, पारिवारिक जो सदस्य हैं, उन सभी तक ये लाइव सेशन पहुंच जाए। और उसके बाद मैं शो का फॉर्मेट बता देता हूं कि जिन लोगों को आशुतोष श्रीवास्तव के गाने पसंद है सुनना, वैसे तो सर मुझे भी पसंद है और सभी को पसंद है, ये बात तो हकीकत है, तो जिन जिन जनों को सर के गाने पसंद हैं और अगर वो चाहते हैं कि सर भी आपके पसंद के 5 नगमे अपनी आवाज में गाकर सुनाएं, तो आपको अपने फोटो और बेसिक डिटेल के साथ सर को कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आपको उसको रिक्वेस्ट भेजना है, टेक्स्ट भेजना है, कमेंट करना है, कहीं भी आप कर सकते हैं। फेसबुक पे भी सर का पेज है आशुतोष श्रीवास्तव HC के नाम से, और आशुतोष श्रीवास्तव गजल तो आप डाल के आई थिंक इंडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे सर को पा सकते हैं बहुत इजीली। सर ने यूट्यूब चैनल भी खोला है। सर, एक बात है कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं, स्पेशली मैं कहता हूं कि जिन लोगों को आपके आवाज में गाने सुनने हैं, लेकिन सर हकीकत ये है ना कि हर इंसान को आपके गाने सुनने हैं, सभी को सुनना है सर। सर, काफी सारे लोगों के मैसेज मेरे पास आने लगे हैं आपकी वजह से कि उनसे मिलवा दीजिए, मेरी फोटो क्लिक करवा दीजिए, मुझे गाने सुनने हैं लाइव सेशन में ना। मैं सबको लिंक भेज रहा हूँ इंडिविजुअली कि आप इस लिंक के थ्रू आइए, हम आपको लाइव सेशन में लेकर आएंगे। क्या बात है, क्या बात है, ये इसके पीछे तुम्हारी मेहनत छिपी हुई है। और सर, आपकी गायकी और सरस्वती माता का आशीर्वाद। हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आएगा और लोगों के वाकई में मेरे पास भी जो है फोन्स आते हैं, उनके जो है 5 नगमों की डिमांड आती है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं सतीश कुमार श्रीवास्तव जी, धर्मेंद्र सर जी जुड़ चुके हैं लखनऊ से, और श्वेता जी भी जुड़ी हुई हैं। और लगता है मेरी आवाज अरुण जी तक नहीं पहुंच पा रही है। जी सर, अरुण जी एक बार आप प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए तो मैं आपको जो है जोड़ लूं स्क्रीन पे। और आज आपकी ही नगमों की शाम है तो कम से कम सर, मैं भी अरुण सर, मैं भी अरुण सर से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, वैसे भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तो सर हाथ जोड़ना पड़ता है। और बहुत सरल व्यक्ति है, बहुत सरल व्यक्ति। क्या बात है। तो सर, हम चाहेंगे कि पहले गाने की शुरुआत की जाए और सर का स्वागत उसी गाने से हो जाएगा। जी 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 जी
आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की। बॉम्बे से मेरे साथ पुरुषोत्तम जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार आपका। क्या बात, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम बनाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। मेरे पास किसी और ने भी रिक्वेस्ट भेजी है। अच्छा, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया, आज फिर दिल को हमने समझाया, जिंदगी धूप तुम बना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, क्या बात है, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी को कितनी बना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, 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 हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या सोया, हमने क्या पाया, जिंदगी तुम बना पाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम बना पाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, क्या बात है। और पता नहीं क्या हो गया, कनेक्शन लास्ट में कैसे छूट गया, मैंने एंड मिस कर दिया शायद, लेकिन सर जितनी देर था मतलब मजा आ गया। मेरे साथ शरद चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, और जितेंद्र कुमार सिंह जी, सुषमा गुप्ता जी वाराणसी से,
पुरुषोत्तम भेड़े जी पुणे वहां से बॉम्बे से हैं, और बोलू डोके पोटम, थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है। और धर्मेंद्र नाथ पांडे जी भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, और सतीश जी, आप सभी का दिल से आभार। और शायद हमको लगता है कि अरुण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी सर। अरुण जी एक एक बार सचिन आप भी जो है बोल दो कि अरुण जी तक अगर आवाज पहुंच रही हो। जी मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से, जो कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पे हैं, वो सर वो शख्सियत है जिनकी वजह से आज की शाम स्पेशल होने वाली है और हम सभी उनका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अरुण सर आप भी जल्दी से आ जाइए इस लाइव सेशन में, ताकि हम लोग तीन जब हो जाएंगे ना एक साथ तो और भी मजा डबल हो जाएगा। सर लगता है कुछ नेटवर्क इशू की वजह से सर नहीं जुड़ पा रहे हमारे साथ। कोई बात नहीं, मैं उनको एक बार जो है दूसरे फोन से बोल दे रहा हूँ कि वो फोन से कि हमारे साथ जुड़ जाएं। जी बिल्कुल, उनका फोन आया था मेरे पास। मैं श्वेता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अरुण जी को फोन करके बता दें कि हमारे जो है पेज पे उनको आना है, शायद हमको लगता है वो भूल गए। जी बिल्कुल। हाँ श्वेता जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, एचसी के नाम से जो है। जी जी। और आइए, उन्होंने एक दूसरी नज्म जो है भेजी थी, खय्याम साहब की संगीत में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अच्छा ये सचिन तुमने गौर किया है कि इस गाने की फरमाइश लगभग लगभग हर एक दूसरे एपिसोड में आ ही जाती है। हाँ सर, अल्टरनेट एक आध गैप देने के बाद ये फरमाइश जरूर आ जा रही है। सर सर मुझे तो लगता है अब आपको एक कवर एल्बम इस गाने का बनवा ही लेना चाहिए। क्योंकि लोग इस गाने को लगातार आपके जुबान से सुनना चाहते हैं, सुन रहे हैं। तो इसके पहले मैंने साहिल लुधियानवी जी की वो नज्म सुनाई थी जो कि फिल्म में नहीं आ पाया था, आज मैं जो फिल्म में है वो सुना रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, ये जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। अरुण जी की रिक्वेस्ट आ गई है, मैं उनको ऐड कर रहा हूँ। क्या बात है जी। सर कभी कभी दिल में ख्याल आए और सर भी आ गए। सर भी आ गए। ये खय्याम साहब की म्यूजिक है, इसका असर है जी। जी।
कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये बदन ये निगाह मेरी अमानत है, ये बदन ये निगाह मेरी अमानत है, ये गेहूं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये गेहूं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये जैसे क्या बात है, शहनाइयां सी राहों में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे बजती है शहनाइयां सी राहों में, सुहागी रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहागी रात घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सिमट रही है तू शर्मा के अपने बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपने बाहों में, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, जैसे तू मुझे चाहे उम्र भर के लिए, ये जैसे तू मुझे चाहे उम्र भर के लिए, उसे की मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, उसे की मेरी तरफ प्यार की नजर, मैं जानता हूँ कि तू लहर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू लहर है मगर यूं ही, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, ये जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।
क्या बात है सर। सर कभी कभी आपके दिल में जो ख्याल तो आता है, कभी कभी आप इस गाने को गाते हैं, तो उस कभी कभी में मैम क्या कहती हैं? ये तो दिल के खुश रखने को गाली दिए, ख्याल अच्छा है। क्या बात है सर। अरुण सर अरुण हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। नहीं नहीं मेरे साथ अभी उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भेजी थी, किसी कारण से जो है वो नेटवर्क की वजह से जुड़ नहीं पाए। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से वो मुझे रिक्वेस्ट भेजें। अरुण जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और मुझे एक बार फिर से आप रिक्वेस्ट भेजिए। सर जब तक अरुण सर आपके साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तब तक मैं एक किस्सा बताना चाहूंगा कि एक शख्सियत थे जिन्होंने झंपाट लौंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया था, मगर उनका प्यार इतना ज्यादा था कि वो उन्होंने कहा कि मैं जब भी आपकी वीडियो देखता हूँ हर बार चैनल को सब्सक्राइब कर देता हूँ। तो होता क्या था कि चैनल एक बार सब्सक्राइब होता था और अगली बार में अनसब्सक्राइब हो जाता था। ये होता लेकिन है लोगों का प्यार है। तो मैं यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पेज को एक बार फॉलो करना है, चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब करना है और लाइव सेशन अपलोड होने के बाद एक ही बार लाइक करना है। लेकिन जब तक लाइव सेशन चल रहा है उसके दौरान ये जितने सारे इमोजीज बने हुए हैं आपके स्क्रीन में ना, इनको आप अथाह बार भेज सकते हैं, प्यार अपना दिखा सकते हैं चाहे जितनी बार आप लाइक कीजिए। लेकिन एक गुजारिश और है कि इस फेसबुक लाइव को शेयर जरूर करते रहें। और आइए सर चलते हैं अगले गाने की ओर। चलिए अरुण जी एक बार रिक्वेस्ट आप फिर से भेज दीजिएगा। राजेश वर्मा जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और जी धर्मेंद्र नाथ पांडे जी हैं, सब लोग हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज चौरसिया जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लिख रहे हैं कि निस्वार्थ धर्मार्थ सेवा, क्या बात है, क्या बात। और हाँ और सर सर पूछना चाहूंगा सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सर इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, एज एन आर्टिस्ट सर कैसा फील हो रहा है या कैसा होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि ये ऑनलाइन में भी लोगों का इतना स्नेह और इतना प्यार जो है मिल रहा है मुझे, है ना। लोग अब शनिवार का इंतजार लोग करते हैं। जी बिल्कुल। सर शनिवार के दिन, सर अब आपकी वजह आपकी बदौलत शनिवार के दिन भी लोगों का मंगल ऊपर रहता है। क्या बात है। और आइए तीसरी फरमाइश है, एक बार उन्होंने फिर से भेजा है मुझे रिक्वेस्ट अरुण जी ने, मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल अरुण जी मैंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, प्लीज अब आ जाइएगा। सर अरुण सर को बता दूं कि वहां पे ज्वाइन विद कैमरा का ऑप्शन होगा, उस पे भी क्लिक करके आप ऐड हो जाएंगे। नहीं भेज दिया है उन्होंने। जी सर नेटवर्क इशू है थोड़ा सा। चलिए ओके। शामिल है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जा ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी शामिल है। हर एक फूल किसी याद पर महकता है, हर एक फूल किसी याद महकता है, तेरे ख्याल से जागी हुई फिजाए हैं, ये सब पेड़ है या प्यार की दुआएं हैं, पास हो
ऐसी नहीं फिर भी तुम मुकाबिल है, तेरी निगाह है तेरी महफिल है। ये आसमान ये बादल ये रास्ते ये हवा, नमस्कार नमस्कार भाई साहब नमस्कार। ये बादल ये रास्ते ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने पे, कई दिनों से शिकायत नहीं जमाने से, ये जिंदगी है सफर की कदम की मंजिल, ये जिंदगी है सफर बहुत शानदार सर, काफी देर से हम
सर हम सभी काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे और दर्शकों को इस बात का भी इंतजार था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी के हैं आप, सभी लोग आपका इंतजार कर रहे थे, सभी लोग देखना चाह रहे थे कि अरुण कुमार श्रीवास्तव जी कैसे दिखते हैं क्या है सर। लेकिन एक सवाल है मेरा जी सर, कि सर मैंने आपको देखा आप बहुत ही सरल स्वभाव के पता चले मुझे, लेकिन सर एक चीज और लगा कि सर लेकिन एक चीज पता चला कि मतलब आदमी चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्यों ना हो सर पीछे से वाइफ लोग कह रहे थे टी शर्ट पहन के आई है। नहीं नहीं वाइफ नहीं थी, वाइफ गई हुई है मार्केट में, लेकिन हमें अच्छा, अच्छा नहीं लगा। हाँ वाइफ नहीं थी, बिटिया थी मेरी, तो बिटिया से मैंने कहा बेटा और आप मोबाइल पकड़ो जरा टी शर्ट डाल रहे हैं, अब अच्छा लगता है ना लाइव देख रहे हैं सर। लेकिन आप सर आपका नेचर और बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके लाइव सेशन के थ्रू, मिलके आप सब मिलके और भाई साहब तो एकदम महान हैं, इनके बारे में तो इतना कहा जाए उतना कम है। बिल्कुल सचिन हम सर, लोगों एक की कलाकार को जी, सर एक कलाकार को महान बनाने में श्रोताओं का सबसे बड़ा हाथ होता है और सर आप जैसे सर सहयोगी लोग हम लोगों के साथ जुड़े हैं तो सर मुझे लगता है कि इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। नहीं बिल्कुल है सर, कोशिश करेंगे कि संख्या ये बढ़ती ही जाए। आज तो फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं हम और हमने कई लोगों को भेजा भी है, लेकिन अब कारण जो भी रहा जुड़ नहीं पाए हैं क्योंकि हम ही को टाइम लग गया जुड़ने में, तो कोशिश करेंगे सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही लाइव सेशन अपलोड होगा आपके नीचे जो शेयर का बटन आ रहा है उससे आप शेयर कर दीजिएगा इस लाइव सेशन को और सभी को टैग भी कर सकते हैं अपने सभी जानने वालों को। अच्छा शेयर है केवल ये व्हाट्सएप नहीं हो सकता है शेयर? सर हो सकता है बिल्कुल, इस शेयर लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप में जाके पेस्ट कर देना है, आप जिसे जिसे अच्छा। चाहें सबको दिखा सकते हैं। बिल्कुल जी, और मैं सभी दर्शकों से भी बताना चाहूंगा कि इस शेयर के ऑप्शन से आप इसे व्हाट्सएप फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप इसे शेयर कर सकते हैं लाइव के दौरान भी और लाइव के बाद भी। जी 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 बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। प्रीति चौबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं सचिन सर, सर क्या बात है। अगर 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 तुम्हारे पास सबका जो है नाम आ रहा हो तो एक बार सबको आप थैंक्स बोलो, मुझे थोड़ा सा यहाँ से दिख नहीं रहा है सर, मेरे पास लाइव में इसमें नाम तो नहीं दिख पा रहा है, बट मैं सभी दर्शकों को आज के लिए क्षमा चाहूंगा, अगली बार से मैं इसकी व्यवस्था भी कर लूंगा। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि प्रीति चौबे जी जो कि सर सिर्फ मेरे लिए ही नहीं सभी के लिए माँ समान है और वो हस्त रेखाएं देखती हैं और बहुत ही बड़ी ज्योतिषाचार्य हैं। वाह वाह, और अपने प्रयागराज से हैं, अपने प्रयागराज से, और मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया है। वेरी गुड, क्या बात है। और हमारे साथ पूजा कुमारी जी भी जुड़ी हुई हैं जी, अचिंत्य रंजन मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत आभार आपका। और जितेंद्र कुमार सिंह जी आपके डैडी हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। और अनिल चौरसिया जी भी जुड़े हैं मेरे साथ, श्वेता श्रीवास्तव जी, राजेश वर्मा जी हैं, धर्मेंद्र नाथ पांडे जी, सुषमा गुप्ता जी, पुरुषोत्तम जी, अरुण श्रीवास्तव तो हमारे साथ लाइव ही चल रहे हैं, विशाल साहू जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, वाह वाह क्या बात है। और शरदचंद श्रीवास्तव जी हमारे बड़े भैया हैं, राम आपको, और सतीश कुमार श्रीवास्तव जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं। और आज तो कुछ नए लोग भी दिख रहे हैं, अपर्णा गुप्ता भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, लिख रही प्रणाम सर, थैंक यू अपर्णा। और भी बहुत से लोग हैं, मैं सबका जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और जी सर लेकिन अगली बार से सर मैं इस चीज की तैयारी करके रखूंगा कि मुझे भी नाम दिख सके। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अरुण सर से एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं जी सर, अरुण सर से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार और रिक्वेस्ट भेज दीजिए, हम आपको फिर से लाइव सेशन में ऐड कर लेंगे। और सर चलते हैं अगले गाने की ओर। ला 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 Thank you.
वो साथ दे। मेरे बिना भी क्या जीना वो साथ दे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना वो साथ दे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस धरती तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये छूटे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना वो साथ दे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिल बंजारे। तुझ बिन जोगन मेरी रातें, तुझ बिन मेरे दिल बंजारे। मेरा जीवन जलती धुनी तुझे पूछे मेरे सपने सारे। तेरे बिना मेरी, तेरे बिना मेरी, मेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना वो साथ दे। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना वो साथ दे। तेरे बिना भी क्या जीना। सर धन्य है आप, क्या कहूँ, मतलब इतना खूबसूरत गाते हैं आप। और सर अरुण सर को अब आप थैंक्स बोल दीजिए, क्योंकि आज आपने जिन गानों को गाया है ना, घर जाएंगे तो आपको दो रोटी एक्स्ट्रा मिलने वाली है। मैम आज कुछ ज्यादा ही खुश होंगी। मैंने अरुण जी को फिर से जो है एक्सेप्ट कर लिया है उनको, है ना, और हो सकता है कि जुड़ भी जाए। लास्ट गाना है जी, बिल्कुल। और वैसे भी सर थैंक्स तभी तो बोलेंगे आप जब वो जुड़ जाएंगे, दो रोटी एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तब तक मैं सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, और अगर आप भी इस लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं
और आशुतोष सर की आवाज में 5 नगमे अपने पसंद के सुनना चाहते हैं तो अपने फोटो और बेसिक डिटेल्स के साथ भेज दीजिए किसी भी कमेंट सेक्शन में, इनबॉक्स में, हर एक सोशल मीडिया पे सर अवेलेबल है। और सर आइए चलते हैं हम लोग आखिर गाने की ओर, आज के आखिर गाने की ओर। और आखिरी फरमाइश है आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ और संगीत उत्तम सिंह का है, कि थी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश कहाँ थी। क्या बात है, ये भी लगभग लगभग हर एपिसोड में इसकी फरमाइश आ ही जाती है। जी जी ना कोई संदेह हो, किसी न कोई संदेह जाने वो कौन सा दिल कहाँ तुम चले गए, अल्लाह कहाँ तुम चले गए। इस दिल पे लगा के थे जाने वो कौन सा दे कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। किसी न कोई संदे जाने वो कौन सा दे कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम
कितनी न कोई संदे जाने वो कौन कदे कहा तुम चले गए हो कहा तुम चले गए इस दिल पे लगा के जाने वो कौन कदे कहा तुम चले गए। क्या बात है सर, बहुत ही सुंदर गाया आपने। और सर ये तो आपकी पुरानी आदत है, पहले खुश करते हैं फिर इमोशनल कर देते हैं। सर अपने गायकी से सर आप दिल तो जीतते हैं, सर इमोशनल क्यों कर देते हैं आप? अब ये क्या बताएं, ये गायकी ही ऐसी है कि जो है कभी खुशी कभी गम। क्या बात है सचिन, आज तुमको बताएं कि आज हमारे लगभग 25 साल पुराने मित्र हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, रतनदीप रतन, रतनदीप रतन, रतन सर का स्वागत है। और 86 या 85 में हम लोगों ने जो है संगीत समिति में जो है एडमिशन कराया था, और जी। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे साथ जो है फेसबुक पे जो है जुड़े हुए हैं, और रतनदीप जी ने अभी मेरे पास रिक्वेस्ट भी भेजी थी, एक बार फिर से आप भेजिए तो स्क्रीन पे मैं लोगों को दिखाऊं कि हमारे आज कितने पुराने मित्र जुड़े हुए हैं। क्या बात है सर, सोचिए टेक्नोलॉजी के कितने फायदे भी हैं। रत्नजी जी एक बार आप फिर से मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपको जोड़ूं, और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों से कि हमारे कितने पुराने मित्र जुड़े हैं, और आज अच्छे पद पे ये कार्यरत है, एक MP की फैक्ट्री है उसमें ये कार्यरत है। क्या बात है। लिख रहे सर, मैं देखना चाहूंगा सच में। तो सर हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमारे साथ जो है अरुण कुमार श्रीवास्तव जी की पसंद के 5 नगमे मैंने आप लोगों के सामने साझा किए, और किसी कारण से नेटवर्क की वजह से अरुण जी लगातार हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, और नेटवर्क इशू है, और सभी लोगों का हृदय से आभार, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े थे मैं सबका नाम नहीं बोल पा रहा हूँ, फिर भी कोशिश करता हूँ सबको जो है एक बार सर एक बात तो आपने इंडिया के मैप में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट सब जगह से सर अपनी फैन फॉलोइंग्स को टच कर दिया है। इस लाइव सेशन के जरिए इसमें सारा योगदान तुम्हारा है सचिन, ये अरे नहीं सर जो है उसको मुकम्मल बनाने में तुम्हारा हाथ है सर, ना आप कॉन्सेप्ट देते हो ना मैं मुकम्मल कर पाता, इस कॉन्सेप्ट के क्रिएटर आप है सर। तो भाई इसको जो है साकार तुमने किया ना जी। मैं कुछ दर्शकों से बताना चाहूंगा कि जी सर, हाँ रतन जी जी ने फिर से मुझे रिक्वेस्ट भेजा है, मैंने इनको ऐड कर लिया है। हाँ आप जारी रखें। सर कुछ दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं क्यों बार बार लाइव सेशन में जुड़ता हूँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि पहली बात मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरा ये सौभाग्य है कि सर मुझे अपने साथ लाइव सेशन में जुड़ने का मौका देते हैं हमेशा। जैसे कि आप देख ही रहे हैं इंडिया के अलग अलग कोनों से अलग अलग जगह से दर्शक जुड़ रहे हैं लाइव सेशन में, तो मैं हृदय से सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि सर ने मुझे लाइव सेशन में बरकरार रखा है हमेशा। और बीच में मैं मथुरा भी गया आरजे बनने के बाद, और फिर भी लौटने के बाद मैं सर के साथ जुड़ा रहा, तो इसमें कोई भी हम लोगों का स्वार्थ नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली प्रमोशन कर रहा हूं या सर को ही सपोर्ट कर रहा हूं, सिर्फ मैं खुद जुड़ा रहता हूं सर से, तो इसको किसी भी अदरवाइज अदर वे ना लें। और आप सभी का प्यार झंपाट लौंडा यूट्यूब चैनल को जिस पे मेरे वीडियोस आते हैं उस पे मिलता रहता है, आप वहां पे मेरे वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं लाइव सेशन में सर के साथ हमेशा मिलूंगा, इस बात का पूरा वादा है सचिन। मैं सचिन ये मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में सिर्फ और सिर्फ दिल का रिश्ता है, उसमें कहीं कोई लाग लगाव नहीं है, जब दिल से दिल की बातें होती हैं तो वो रिश्ते खुद ब खुद कायम हो जाते हैं, है ना? तो ठीक है, ये जो इतने लोगों के
कमेंट्स आ रहे हैं, जो लोग हमारे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ये सब दिल की ही बात है। जी बिल्कुल, ये एक टीम वर्क है। पुरुषोत्तम जी लिख रहे हैं कि ये एक टीम वर्क है, सही बात है सर, ये टीम वर्क है और बगैर टीम के कुछ भी नहीं होता है ना। सोचते सब लोग हैं, मुकम्मल कुछ लोग कर पाते हो, सचिन जी जैसे लोग अगर मिल जाए तो वो चीज मुकम्मल हो ही जाती है। अरे सर ये आपका बड़प्पन है। तो सर आपने मुझे कॉमेडी चैनल से सर अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया, आपने सर अपने गायकी को मेरे साथ परमानेंटली साझा किया, सर मैं सुन पा रहा हूँ साथ में बैठ के, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं है। इतने लोग सर हिंदुस्तान से मैसेज कर रहे हैं आपको, आप सबके रिप्लाई भी नहीं दे पाते मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी आप मुझे बुलाते हैं हर बार, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो चलिए सचिन जी, ये हम लोग जो है बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग मिलते हैं किसी एक शख्सियत की नगमों के साथ। और हमारे पास अब जो है लगातार जो है 5-6 एपिसोड का मटेरियल तैयार है और अगले एडवांस बुकिंग चल रही है सर आपकी, एडवांस बुकिंग चल रही है। तो मैं दर्शकों से गुजारिश करता हूँ, मैं दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप भी अपने पसंद के 5 नगमे आशुतोष श्रीवास्तव सर के आवाज में सुनना चाहते हैं तो लिख भेजिए टेक्स्ट के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू और अपने फोटो और बेसिक डिटेल्स के साथ। हम आपको शनिवार की शाम 6 बजे इस लाइव सेशन का हिस्सा बनाएंगे और हम भी आनंद उठाएंगे उस लाइव सेशन का। और इन हफ्तों के दौरान में क्या करना है, शनिवार से अगले शनिवार के बीच में आपको YouTube पे जाना है, आशुतोष श्रीवास्तव गजल सर्च करना है और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आप सभी से गुजारिश है। और उसके बाद थोड़ा बहुत समय मिल जाए तो झमपाट लौंडा जिसपे मेरी वीडियोस आती है, मैं वहां भी मिल जाऊंगा। हफ्ते में आपको बोरिंग फील होने का मौका हम लोग नहीं देने वाले और सैटरडे को तो सर मुझे खुद लेकर आ जाएंगे यहाँ पे। और इसी वादे तो के साथ सभी दर्शकों का एक बार फिर से दिल से आभार, जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े थे मैं सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ सभी का। मैं किसी का नाम नहीं बोल पाया हूँ तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा, सभी का जो है हृदय से स्वागत है और मैं एक बार मैसेज पे रिप्लाई जरूर करूंगा सभी को। और इसी वादे के साथ अगले शनिवार हम लोग फिर से जो है मिल रहे हैं और इस शनिवार तक के लिए हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा विराम ले रहे हैं। जी बिल्कुल, नमस्कार, जय हिंद।